हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। मैं राजकुमार दुबंसी आपके मैथमेटिक्स की क्लास के साथ। पिछली क्लास में यानी कि प्रीवियस क्लास में आपने सीखा था एक्सरसाइज 4.2 और अब इस क्लास में हम 4.3 लेकर के आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि आलेख खींचिए, दिए गए समीकरणों को क्या करिए, इनको लेते हुए एक आलेख खींचिए। देखो यार, आलेख क्या होता है आप जानते हो, यानी संख्या रेखा पर इस समीकरण को एक प्रकार से दिखाइए, इस समीकरण का ग्राफ खींचिए। वो कैसे करेंगे ध्यानपूर्वक देखना। देखो इसमें जो दिया गया है इक्वेशन है, इससे हम पहले कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे। तो कोऑर्डिनेट कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए ज़रा ध्यान देना है। यहाँ पर जैसे देखो, ये मैंने बना लिया एक स्ट्रक्चर, मतलब सारणी, इसी में हम पहले मानों को लिखेंगे। तो बच्चा लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ूंगा आज। मुकेश जी, प्रियांशु, सोनिका, चलिए देखिए, यक्स है, ये है वाई का मान। देखो बहुत गौर से देखना, पहला समीकरण हम करेंगे पहले, दूसरा वाले के लिए दूसरा सवाल बनेगा। यदि हम यक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 फुट करें तो क्या होगा, सोचो वाई का मान क्या आएगा। अगर यक्स का मान 1 रखेंगे तो वाई का मान बच्चा लोग यहाँ पर 3 आएगा। भैया कितना आएगा? 3 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम यक्स का मान 1 रख रहे हैं तो वाई का मान क्या आएगा? 3 आएगा। बोलो आया ना, आया ना। कोई भी समीकरण का आलेख बनाने के लिए कम से कम 2 कोऑर्डिनेट मालूम होना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट से आप नहीं खींच सकते हो। तो ये तो हो गया, एक कोऑर्डिनेट हो गया, क्या हो गया, 1, 3, ठीक है। दूसरा, अब मान लो कि इस समीकरण में हम y का मान 0 रख देते हैं, तब क्या होगा? चलो y का मान 0 रखें तो ये 4 हो जाएगा, यानी x का मान क्या हो जाएगा? 4। हम जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। ये हमारे 2 कोऑर्डिनेट हो गए, हम चाहे जितना ऐसे बना सकते हैं। और हाँ एक बात और, ये सभी एक ही रेखा पर स्थित होंगे, एक सीधी रेखा में स्थित होंगे। क्यों क्यों स्थित होंगे भाई सीधी रेखा में? क्योंकि ये सरल समीकरण है, ये सरल समीकरण है। सरल समीकरण का जो ग्राफ बनता है एकदम सीधा बनता है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसमें मैं 1-2 कोऑर्डिनेट और भी ज्ञात कर लेता हूं चाहे तो, आपके सुविधा अनुसार। चलो अब हम यक्स का मान यहाँ पर 0 रख देते हैं तो वाई का मान क्या आएगा? तो भैया तब भी वाई का मान 4 आएगा, यानी यक्स 0 रखोगे तो वाई 4 आएगा। अब रहने तो इसके आगे बनाने का कोई मतलब नहीं है, आप चाहो तो बना सकते हो, लेकिन जो हमें कहा था करने को उतना मैं अब कर लेता हूँ। इसका आलेख बनाना था तो अब मैं बनाता हूँ। क्या जो आप अभी तक पढ़े हो चतुर्थांश वाला सिस्टम, ये होता है यक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष, यही तो बोलते ना इसको। इधर होता है यक्स डैश अक्ष, इधर होता है वाई डैश अक्ष, इतना ही तो है ना, और कुछ तो नहीं है ना। आप जरा गौर से देखना इसके आगे क्या होता है साथियों। जब यक्स क्या है 1, वाई क्या है 3, हम यहाँ बिंदु को साइड में लिख लेते हैं, आप इन्हें ध्यान देना। 1, 3 है, दूसरा बिंदु 4, 0 है, तीसरा बिंदु क्या है 0, 4 है। इनको हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर दिखाना है। हम जानते हैं यक्स के राइट साइड सभी जो भी नंबर हैं वो प्लस जाते हैं, बोलो जाते हैं ना। ऊपर साइड में सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं, प्लस होते हैं। यक्स के मतलब मूल बिंदु के बाईं तरफ लेफ्ट साइड सभी मान निगेटिव होते हैं, ये -2, -3, -4, और नीचे भी वही हाल होता है। ये आप जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, काफ़ी परिचित हो पहले से। तो भैया 1, 3 कहाँ होगा, ज़रा गौर से समझो। यक्स पे 1, यक्स पे 1 मतलब यहाँ है और वाई पे 3 मतलब ये। तो ये कहाँ पे जाएगा इसका बिंदु, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 1, 3। बात समझ में आई, बहुत ध्यान से देखना, अभी ग्राफ बनेगा एकदम सीधा बनेगा। 4, 0, 4x पे वाई पे 0, तो यक्स पे 4 यहाँ है, वाई पे 0 मतलब ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा। तो भैया 4, 0 बच्चा इसी पे होगा, किस पे, इसी पे जहाँ मैं बिंदी रखा हूँ, 4, 0 रख लो, ठीक है। इसको ऊपर लिखो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इस चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होता भी है।
तो ये हो गया 4,0, 0,4 x पे 0, y पे 4। चलो x पे 0 मतलब इधर की बिल्कुल नहीं जाना, इधर बिल्कुल नहीं आना, केवल y पे ऊपर 4 जाना, मतलब यहाँ कहाँ पे, यहाँ। ये क्या है, ये y अक्ष में साइड में लिख देता हूँ, जगह बना देता हूँ थोड़ा सा, तो आपको क्लियर होगा भैया ये y अक्ष है, ठीक है, क्लियर। तो ये यहाँ पे आ रहा 4 पे, ये ऊपर भी जा सकता है, कसम नहीं खाया कि यहीं पे रहेगा, लेकिन ये यहीं पे रहेगा। ये क्या है, 0,4। अब अगर हम एक ग्राफ खींचेंगे तो एकदम सीधा जाएगा, ये बहुत ध्यान से देखना, एकदम सीधा जाएगा, एकदम सीधा। यू अंडरस्टूड, बन गया ना, यही है इस समीकरण का आलेख। और इतना ही नहीं, इसमें आप कोई भी बिंदु फाइंड करोगे इस तरह से, यक्स और वाई में से कोई एक मान रख करके, तो जो भी बिंदु आएंगे सब इस रेखा पर स्थित होंगे, इसी रेखा पर सब आके इसी में घुस जाएंगे। ऐसा नहीं कोई माइनस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, कोई यहाँ आ जाएगा, ऐसा कतई नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भैया ये एक रैखिक समीकरण है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन का जो आलेख होता है, ग्राफ होता है, हमेशा एकदम सीधा बनता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनता इसे इसे, बात समझ गए ना। तो आप इसे जल्दी से छाप लो, ये पहला वाला हो गया। देखो ग्राफ पे ध्यान देना, बिंदु पर ध्यान मत देना, हो सकता है आपके उत्तरमाला में पॉइंट कुछ और दिए गए हों, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी रख सकते हो उसमें। मैं एक एग्जांपल इसमें आपको और भी दिखा देता हूँ आपकी संतुष्टि के लिए, बहुत गौर से देखो कैसे। यहाँ पर आप अगर ध्यान दो तो मैं कुछ मान और भी निकाल देता हूँ। चलो इस समीकरण में हम क्या करते हैं, यक्स का मान अभी तक हमने 1,4 और 0 रखा था, अब चलो हम 2 रख देते हैं। तो 2 रखेंगे तो भाई लोग क्या आएगा, y का मान 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। x का मान 2 रखेंगे तो y का मान भी 2 आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 2,2 भी इसमें का एक कोऑर्डिनेट होगा। तो बच्चा जब x पे 2 चलोगे, y पे 2 चलोगे तो पहुंचोगे कहाँ, यहाँ पे, यहाँ से 2 यहाँ आएगा, यहाँ पे क्या, यहाँ आएगा। इसको सीधा मिलाओगे तो कहाँ जाएगा, ये सीधा मिलाओगे तो कहाँ जाएगा, ये यहीं पे आएगा। कुल मिलाकर के ये भी इसी में ही, इसी लाइन पे ही होना चाहिए। ये हमारा लिखावट जो है, अगर आप ग्राफ पेपर लेके करोगे तो एकदम सीधा सीधा जाएगा, बात समझ रहे हो ना, ग्राफ पेपर लेके करोगे तो एकदम सीधा जाएगा, कोई भी इसमें इधर उधर नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो ये 2,2 भी इसी पे आना चाहिए, इसी पॉइंट पे आना चाहिए, लेकिन संयोग बस क्या है कि हमारे यहाँ जो ये नंबर लिखे गए, मैंने तो ऐसे लिखा है ना, कोई माप वगैरह तो लिया नहीं है, ऐसे 1, 2, 3, 4 यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, वहाँ लिख दिया, इसलिए सीधा नहीं है, मतलब उतना अच्छा नहीं बैठ रहा है। बाकी ये भी इसी पे जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा जो यहाँ आ रहा है, ठीक है, बाकी इस हिसाब से तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये इसी पे जाएगा, क्योंकि ये दूरी बराबर होना चाहिए, 0 से लेकर के 1 की दूरी, 1 से 2 की, 2 से 3 की, 3 से 4 की, हर जगह ये होना चाहिए बराबर बराबर दूरी पर, तब सीधा बैठेगा, बात समझ गए ना। तो कोई भी मान आप ले लो, सब उसी रेखा पर स्थित होंगे, चाहे जो भी लेके रख लो आप। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट, दूसरा समीकरण क्या कहता है, जरा ध्यान से देखना। एक्स माइनस वाई इक्वल टू का आलेख खींचना है, इसका आलेख कैसे बनेगा, पहले तो आप कोऑर्डिनेट फाइंड करो, इसके बिंदु फाइंड करो। तो भैया यक्स बराबर 0 रखो इसमें, 0, या फिर आप कुछ भी रख लो, ये नहीं जरूरी कि 0 ही रखो, 10 रख लो आप, 25 रख लो, 100 रख लो, कुछ भी रख लो। तो हम तो 0 रख रहे हैं क्योंकि हमें ज़्यादा हल ना करना पड़े इस वजह से। तो ये माइनस का वाई इक्वल कितना आएगा, कितना आएगा भाई, 2 आएगा ना, तो वाई इक्वल फाइनल में माइनस 2 आएगा। मतलब अगर हम यक्स का मान 0 रख रहे हैं तो वाई का मान हमें माइनस 2 प्राप्त हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, कुछ और भी रख के देख लेते हैं। वाई का मान चलो आपकी 0 रख देते हैं, देखो क्या होता है, वाई का मान जब 0 रखेंगे तो क्या होगा, यक्स माइनस 0 बराबर 2, तो यक्स बराबर होगा 2, जब हम वाई का मान 0 रखेंगे तो ये 2 होगा। वैसे कोई भी समीकरण का आलेख खींचने के लिए 2 बिंदु काफ़ी होते हैं, इससे ज़्यादा बनाना कोई मतलब नहीं है। तो ये लो, ये है ओरिजिन जिसे मूल बिंदु कहा जाता है, ये है एक्स एक्सिस, ये है बच्चा वाई एक्सिस, और ये है यक्स डैश एक्सिस। ये वाई डैश एक्सिस मतलब अक्ष होता है हिंदी में, ठीक है। तो हमें केवल 2 तक ही ज़रूरत है, इसलिए हम केवल 2-3 तक ही गिनती लिखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है। -1, -2, -1, -2 यहाँ 3 लिख दिए हैं, किसी को मुसीबत हो रही होगी, चलो कुल 2 ही 2। अब देखो
पहला बिंदु है हमारा जीरो कामा क्या होगा, जीरो कामा माइनस दो, क्योंकि यक्स जीरो है, वाई क्या है माइनस दो है, तो यक्स जीरो है इधर किसी भी तरफ को नहीं जाएगा, वाई क्या है वाई माइनस दो है मतलब नीचे आएगा, नीचे मतलब यहाँ, ये यहाँ होगा। अगला बिंदु क्या बनेगा हमारा, वाई पे जीरो है भैया, यक्स पे दो है, क्या है एक्स पे दो है, यक्स पे दो वाई पे जीरो है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, एक भी पॉइंट नहीं जा रहा, कहीं खिसक नहीं रहा है, तो क्या होगा, बस हो गया एक बिंदु ये हो गया, ये क्या हो गया, इसका ग्राफ खींचोगे एकदम सीधा ऐसे जाएगा, और आप चाहो तो इसको ऐसे बढ़ा भी लो, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये इसका ग्राफ बन गया। बात समझ में आई ना, अपनी बुक में उत्तरमाला मिला लो, और मैं भी आपको मिला के बता देता हूँ, ऐसे ही बना है कि नहीं देख लो पहले फटाफट, ऐसे ही बना कि नहीं बना है, अरे कमेंट करके बताओ यार, शर्माओ नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज आपका नाम नहीं बोल रहा हूँ, ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि नाम बोलने से टाइम वेस्ट होता है, बन गया ना, बात समझ में आ गई, जल्दी से छाप लो। देखो हमने दो तो करवा दिए और दो सवाल यहाँ पे दिए गए हैं, इन दोनों को आप खुद से ट्राई करोगे, क्योंकि अगर आप खुद से कोशिश करोगे तब सब कुछ होने वाला है, तो इन दोनों सवालों को आप खुद से ट्राई करना बच्चा लोग, ठीक है, इनका ग्राफ बनाना, आलेख बनाना, क्योंकि अगर मैं सब कर दूंगा ना तो आप गधा बन जाओगे, खच्चर बन जाओगे, आप कोशिश नहीं करोगे, इसलिए मैंने दो बताया है, आप खुद से ट्राई करो, अगर तैरना सीखना है नदी में तो कभी कभी डूबना भी पड़ेगा एक आध बार, लेकिन हाँ डूबना नहीं तो बह जाओगे, आजकल बहुत तेज़ बाढ़ आई है बिहार में, यूपी में भी, हर जगह नदियाँ उफान पे हैं, तो इस समय नहीं डूबना, तैरना सीखना जाता है जब नदियों में पानी कम होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बहुत ध्यान से देखना, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए, और इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों, कारण भी बताओ। तो भैया बहुत आसान है, ये पॉइंट दिए गए हैं 2,14, 2,14 से होकर जाने वाली रेखाओं के समीकरण लिखिए। अभी तक आपने देखा था जब समीकरण दिए होते थे तो हम उसमें से x और y में से कोई एक मान रख करके और बिंदु निकालते थे, बोलो निकालते थे ना, निकालते थे, तो इसमें क्या है, बिंदु दिया समीकरण लिखना है, तो भैया इसका जो समीकरण हो जाएगा आप ऐसे लिख सकते हो हल में, पहले लिखो बिंदु 2,14 दिया है, तो समीकरण बराबर क्या हो जाएगा, देखो x प्लस वाई हम कर दें, अगर x प्लस वाई, जहाँ पर x का मान 2 है, y का मान कितना है 14 है, यानी 14 है, तो 2 और 14 जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा, ये हो गया समीकरण, वैसे उत्तर आपका हो गया, आप चाहो तो कोई और भी समीकरण लिख सकते हो, अनंत समीकरण लिख सकते हो, अनंत कैसे, देखो ये x और y ना, ये x है ये y है, हम मान लो इस पर आधारित और भी समीकरण कैसे बनाएंगे, मान लो हमने एक समीकरण लिख दिया 2x प्लस वाई इक्वल कितना होगा, सोचो x की वैल्यू 2 है तो बच्चा ये 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसमें आप जोड़ोगे किसको 4 को किस में जोड़ोगे 14 में, तो ये 18 आएगा, ये समीकरण 2 हो गया। इस तरह से आप x का मान 0 रखो तो क्या होगा, समीकरण बनेगा क्या, जीरो कैसे रखोगे जी, यक्स का मान आप बदल नहीं सकते हो क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, इसी के लिए समीकरण पूछ रहा है, किसी और के लिए नहीं पूछ रहा है, तो यक्स और वाई के मान आप नहीं चेंज कर सकते हो, कतई नहीं चेंज कर सकते हो, यू कैन नॉट चेंज इट, इंग्लिश में सीखो, ओके ठीक है, ये हो गया ना। हाँ एक काम आप कर सकते हो, अगर आपका मन है तो इसका आप तीसरा समीकरण ऐसे लिख सकते हो, यक्स माइनस वाई बराबर क्या होगा, सोचो 2-14 करोगे तो क्या आएगा बच्चा, 2-14 माइनस में 12 आएगा ना, तो ये माइनस का 12, ये तीसरा समीकरण हो गया। अब तो आपको यकीन हो गया होगा, एक और लिख लो, एक समीकरण 3x-y हो सकता है, 3x मतलब 3 × 6, भाई देखो सीधी सी बात है, x की जगह पे 2 रख लो, y की जगह पे 14 रख लो, तो x की जगह पे 2 रखोगे 3 × 6 हो जाएगा, 6-14 घटाओगे उल्टा, 14 से 6 जाएगा 8 आएगा, माइनस का कितना आएगा 8, ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब तो आपको दिख रहा होगा कि दूसरे सवाल का जवाब मिल गया ना, यानी ये समीकरण पूछा था, दो रेखा बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो भैया दो रेखा के बदले मैंने 4 रेखा के समीकरण लिख दिए हैं, और इस प्रकार की अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्यों, क्योंकि कह रहा बिंदु
बिंदु नहीं बोलना, नहीं तो मार पड़ जाएगी, बिंदु बोलना, ठीक है। बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली रेखाओं के समीकरण लिखिए और इस तरह से कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो भैया एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे मैंने इस बिंदु से होकर ये खींच दिया, ये खींच दिया, ये 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 ये, ऐसे ऐसे खींचते हो ना 50 बार, बात समझ गए। तो ये था इसका आंसर। आपको फिलहाल अपने एग्जाम में या फिर नोटबुक में केवल 2 ही लिखना है। अगर आप 4 लिख दोगे तो कोई गलत नहीं काट सकता, अगर वो समझदार टीचर है तो। अगर वैसे ही है तो फिर भगवान भरोसे हैं, ठीक ना। तो आप क्या लिखोगे? 2 बिंदु, मतलब जो दिया गया है एक ही बिंदु दिया यार। बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली रेखाओं के 2 समीकरण x+y=16 और 2x+y=18 हैं। इस प्रकार की अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं क्योंकि एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखाएं अनंत होती हैं, क्योंकि एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखाएं अनंत होती हैं। नीचे ये चित्र बना देना जो मैंने रेखा वाला खींचा है चारों तरफ खचर पचर करके, इसको ऐसे खींच देना, समझ जाएंगे समझने वाले क्या है इसका मतलब। तो ये हो गया आपका दूसरा सवाल। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, लेकिन उसके पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना सुन लो आप लोग। 16 अगस्त से मैंने कहा था कि भैया आपकी क्लास PBR स्टडी क्लास 9th और 10th चैनल पर चलेगी। आप YouTube पर सर्च करोगे लिख करके PBR स्टडी क्लास 9th और 10th, इतना लिख के सर्च करना, चैनल मिल जाएगा। नहीं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो, आपको अगर आप बड़े चैनल पे इसको देख रहे हो, हमारे नंबर 1 चैनल PBR स्टडी इलाहाबाद पर, तो नीले कलर में ये चीज़ दिखेगा, नीला दिखेगा, जैसे टच करोगे तुरंत चैनल खुल जाएगा, आपको कोई लिंक की ज़रूरत नहीं होगी। तो इतना कर लो, नहीं तो ऊपर नंबर दिया गया है, इस पर संपर्क करना। दूसरा नंबर व्हाट्सएप का नहीं है, वो कॉल का नंबर है, ठीक है। चलें, कह रहा है यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y = ax+7 के आलेख पर स्थित है तो फिर a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो सिंपल सी बात है, इसको हल करना बड़ा ही हल करना आसान है, लिख लो। देखो आज मैं किसी का नाम नहीं बोल रहा हूँ, मिस्टर अभिषेक जी परेशान है, सुधांशु, स्वीटी सब हैरान है कि भाई नाम नहीं बोल रहे हो, मेरा नाम लो नाम लो। मैं नाम क्यों लूँ? नाम लूँगा तो पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए पढ़ाई करो। तो क्या करना है, ये भैया यक्स का मान है या वाई का मान है, जो भी बिंदु दिए होते हैं उसमें पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। तो यक्स का मान और वाई का मान रख दो। वाई का मान 4 है, यक्स का मान 3 है, रख दो, एक का मान आ जाएगा 12 = 3a + 7। तो भैया ये क्या हो जाएगा, 12 - 7 = 3a, तो ये 5 = 3a। तो आप लिखोगे 5/3 = a, यानी कह सकते हो a का जो वैल्यू है वो 5/3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी गया, कंप्लीट हो गया, लिख लो जल्दी से, बस ऐसे ही करना था, बात समझ में आ गई ना। ये आप देख रहे हैं क्लास 9th की NCERT मैथमेटिक्स PBR स्टडी इलाहाबाद की ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। साथियों आप ऑनलाइन घर बैठे पढ़ सकते हो, अगर आपके बड़े भैया दीदी हैं क्लास 10th में 12th में 11th में पढ़ते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। अगर सबसे बड़ के भैया दीदी आपके पढ़ते हैं जो UPSC की तैयारी करते हैं, SSC बैंक रेलवे की, तो वो PBR स्टडी चैनल नंबर 2 सब्सक्राइब करें, वो भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारी कोशिश है कि हमारी टीम आने वाले दिनों में आपके हर प्रकार की तैयारी, हर प्रकार की पढ़ाई ऑनलाइन आपके घर तक बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध कराएँ। इसके लिए आप लोग सपोर्ट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, अपने विचारों को लिखें। तो आज की क्लास यहीं तक, और हाँ PBR स्टडी ये चैनल सब्सक्राइब करना, इस पे आपको पूरा कोर्स मिलेगा 9th का, इसको ज़रूर कर लेना। जय हिंद, आज के लिए इतना ही। शाम को 7 बजे इस समय प्रेजेंट समय में ये क्लास चल रही है, अगर भविष्य में कभी चेंज होता है तो ऊपर नंबर दिया गया, फ़ोन करके इंक्वायरी कर लेना।